हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप सब सही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको संस्कृत में जो वर्णमाला के कार्य पत्रिका दी थी पहले, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। मेरा पहला प्रश्न था, व्यंजनों में से स्वर को अलग करिए। व्यंजनों में स्वर को अलग करिए या जोड़िए। पहला था जैसे ध में री जोड़ा तो बना ध्री, ध में री जोड़ के क्या बना? ध्री। इसका सही है वो अपना चेक करते जाएंगे। का में ए जोड़ा तो बना कै, क्या बना? का में ए कै। खा में जब ई जोड़ा तो बना खी, चा में जब ई जोड़ा तो बना ची, प में जब ऊ जोड़ा तो बना पू, थ में जब अ जोड़ा तो बना थ, घ में जब औ जोड़ा तो बना घाऊ, ग में जब ए जोड़ा तो बना गै, ट में जब ऊ जोड़ा तो बना टू, ट पे छोटी ऊ की मात्रा, द में जब आ जोड़ा बना तो दा। दूसरा है स्वरों को अलग करना। मुंह किससे बना है? माँ में कौन, मुंह में कौन सा स्वर मिला हुआ है? मिला हुआ है उ, छोटा उ, तो क्या लिखेंगे? उ। ची किससे बना है? ई स्वर से, तो ई स्वर अलग करना है हमें। कौन से ई है? बड़ी ई। दा आ से, तो आ स्वर हमने अलग कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे? आ। प्रा में र, औ में रऊ में औ, री में री, री से ऋषि वाला, प्री में री, री से ऋषि वाला, धू में ऊ, पै में ऐ, ऐ से एनफ वाला, यो में ओ, ओ से ओखली वाला। तीसरा प्रश्न था कि जो ध्वनियों से बना है उसे जोड़ के लिखिएगा। इस प्रश्न में हमने ध ध्या लिखा था, तो ध्या कैसे बना है? ध के नीचे हलंत, या के नीचे हलंत और अ। दूसरा है त्र, त बना है त और र, इसे बनाए त और र से। तीसरा है क्र, क्र बनाए क और र से। ज, ज्या बनाए ज, ज्या के नीचे हलंत और या के नीचे हलंत। श, श बनाए क से और पेट कटे वाले श से, उसके नीचे दोनों के नीचे हलंत। द्व, द्व बना है, द्व में किसी से आवाज आ रही है? द और व की, तो द जमा व। ड्र, ड्र बना है ड जमा र से। ज, ज जमा य, ज। दद, दद बना है द जमा ध से, धनुष वाले से, द जमा ध, दद। स्त्र, स जमा त से। आगे सर में प्रश्न चार था, इसमें ऋषु स्वरों को अलग करिए। ऋषु स्वर हैं कौन कौन से हैं? ऋषु स्वर तो पांच होते हैं, आपको बताया था, तो इसमें से आप देख लीजिए पांच कौन कौन से। पांच है अ, ई, उ, री और रे। तो हमारे इसमें से आ गए ई, आपका ऋषु स्वर हो गया, अ ऋषु स्वर हो गया, री ऋषु स्वर हो गया और री ऋषु स्वर हो गया। इसका मतलब आ और ए आपका ऋषु स्वर नहीं है। प्रश्न पांच आपका था, वर्गों के कर्म को वर्ण को वर्गों के वर्ण को क्रम के अनुसार लिखिए। आपको बताया था कि मैंने वीडियो में पिछले भी वीडियो में बताया था कि जब हम वर्गों को लिखेंगे तो क्रम अनुसार लिखना बहुत जरूरी है। त वर्ग में पहला आता है त,
दूसरा थ, तीसरा द, चौथा ध और पांचवा न। तो इसका मतलब त, थ, द, ध, न। पवर्क में पहले आता है प, फ, ब, भ, म। कवर्क में आता है क, ख, ग, घ और ण। इस तरीके से आपके वर्कशीट कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे, मैंने आपको दूसरे नोट्स दिए थे, वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास वाला पाठ करा था हमने। जब पढ़ा था शब्द जिन अक्षरों से मिलकर बनते हैं उनको अलग अलग करना वर्ण विन्यास कहलाता है। शब्द, दोबारा बोलूं, शब्द अलग अलग अक्षरों से मिलकर बनते हैं और जब हम उनको अलग कर देते हैं, उनके स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर देते हैं, तो उनमें कहते हैं वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे कि ये देखिए, यहां लिखा है, ये देखिए आपके में मैंने दिया था मुनि, ये मु नी, मुंह, मुंह में किसी सांड आ रही है, मां की मुंह बनाए, मां जमा ऊ से, मुंह किससे बनाए, मां जमा ऊ से, और नी किससे बनाए, न जमा ई से। तो मुनी किसे बना, मां जमा ऊ जमा न जमा ई। हम इसे अलग अलग कर रहे हैं तो इसे कहते हैं वर्ण विन्यास। दूसरा हम देखते हैं छात्रा, छात्रा में छ, पहले हमने छा लिया, छा बनाए छ जमा आ, क्योंकि आ की आवाज आ रही है। त्र बना है त जमा र जमा आ, त्र। तो छात्रा बना है छ जमा आ जमा त जमा र जमा आ, छात्रा। एक हमने एग्जाम्पल में दिया था अननम, दिया था अनम, अननम बना है, पहला है अ, न आधा है तो हम उसके नीचे न लेके हलंत लगा देंगे, और न किससे बनाए, न जमा अ, क्योंकि इसमें न में कौन सा स्वर है, कोई भी नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा नहीं, तो केवल अ स्वर है, तो और अंत में म के नीचे हलंत है, तो हम माँ को हम आधा ही ऐसे लिखेंगे म। ठीक है, अननम। ये होता है वर्णों को तोड़ना। एक होता है हमने करना है वर्णों को जोड़ना। शब्द जिन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ण संयोजन। शब्द जिन अक्षरों से, अक्षर में स्वर और व्यंजन, शब्द जिन स्वर और व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम वर्ण संयोजन, जब हम उन्हें जोड़कर लिखते हैं तो हम उन्हें कहते हैं वर्ण संयोजन। शब्द जिन अक्षरों से बनता है उन सबको जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे कि आप यह ये देखिए, जैसे है माता, सबको पता है माता, दिख रहा है माता, देखिए दिख नहीं रहा शायद, माता, माता, माँ बना है, माँ में किसकी साउंड आ रही है, माँ जमा आ, और ता बना है त जमा आ, ये तो वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या, माँ को हम जोड़ेंगे आ तक, क्योंकि स्वर और व्यंजन से मिलकर बनेगा ना अक्षर। तो देखिए माँ में आ जोड़ा
तो बन गया माँ, ठीक है। और दूसरे में त में को आ तक जोड़ा तो बना ता, माता, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, अ जमा श जमा व जमा अ, दिखाई दे रहा है, ये देखिए अ अ बना है, अ आ तो स्वर है, स्वर के आगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, श आधा क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो इसको हम आधा लिखेंगे श। व किससे बना है, व जमा अ से, तो बन गया वह, क्या बन गया अश्व। आई समझ में, वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है और वर्णों को तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, इसे हम वर्ण विन्यास भी कहते हैं। ये हमने लिया था, तो अब हम इसी से एक और आगे करते हैं। एक इसमें हमने आपको दिया था वर्ण विन्यास का घोटक, दिखाई दे रहा सबको घोटक। अब हम इसका वर्ण विन्यास कैसे करेंगे, अब इसको हमने अलग अलग करना है, वर्ण विन्यास मीन्स अलग अलग करना है। तो घोटक ये घोटक, घोटक बना है घ, घो, घो बना है घ जमा ओ, ट उसके बाद किसकी आवाज आ रही है ट, तो ट बना है ट जमा अ, और क किससे बना है क जमा अ, तो घोटक का क्या होगा घ जमा ओ जमा ट जमा अ जमा क जमा अ, घोटक, दिख रहा है। दूसरा है अश्व, अब मैं बोल रही हूं आप अपने वर्कशीट में मिलाइए। अश्व का क्या है अ जमा श, श आधा है तो उसके नीचे हलन लगा देंगे, जमा व जमा अह अश्व। तीसरा है एश, एश किससे बना है ए, ये लिखा हुआ है ए, ए ए तो ए ही है, ए के आगे तो ये तो स्वर है, स्वर को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ए, और श कैसे बना है श जमा अ से, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन अगर कोई मात्रा नहीं होती तो अ मिलता है, तो श जमा अ एश। उसके बाद है अंबा, अंबा बना है अ जमा म, म के नीचे हलंत क्योंकि आधा म है, अब जमा आ अंबा। औसी, औ पहले ही स्वर है, स्वर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, औ औ श औषधि, औषधि का आया श, श बना है श जमा अ से, तो आ गया श जमा अ। अधि बना है ध जमा ई, तो औषधि। पत्रम, पत्रम, अपत्रम किससे बना, पहला व्यंजन क्या है प, तो प बना है प जमा अ से, दूसरा व्यंजन है त्र, पत्रम में दूसरा व्यंजन क्या है त्र, त्र बना है त जमा र जमा अ, तो प जमा अ जमा त जमा र जमा अ, और माँ के नीचे हलंत है तो माँ को हम ऐसे लिखेंगे, प जमा अ जमा त जमा अ जमा र जमा अ पत्रम। तीसरा है लक्ष्मी, लक्ष्मी किसे बना है ल कैसे बना है ल जमा ल, श बना है आधा है तो श का शाही रहेगा, क्षत्रिय वाला, अम्मा मी किसे बना है मां जमा ई से लक्ष्मी,
प्रश्न दो आपको जो दिया था उसमें लिखा है भा जमा ओ। भा जमा ओ क्या बना? भा में अगर हम ओ को मिलाएंगे तो क्या बना? भो। समझ आ रही है? ये देखिए हमारा वर्ड शब्द दिया हुआ है भो। ये देखिए मैं इसमें बुक में लिख के दिखाती हूँ। भो देखिए भो भो दिख रहा है? भ ये देखिए भ जमा ओ जमा ज जमा अ जमा न जमा अ जमा म। ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है? भा में ओ मिलाया हमने, ऐसे मिलाया तो बना भा जमा ओ भो। ज को अ तक मिलाया तो बना ज। न को अ तक मिलाया तो बना न। और म तो शब्द बना भोजनम। क्या बना? भोजनम। दूसरा है क जमा उ जमा क क ये है क जमा क जमा उ जमा क जमा क जमा उ जमा र जमा अ। क में उ मिला तो बना कु। फिर क आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो कु क। क में उ जुड़ा तो बना कु कु। फिर क में उ कु रह मिला रह तो शब्द बना कुकुरह। क्या बना? कुकुरह। तीसरा है अ जमा स। आ स्वर है तो आ को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? स जमा अ स। क्या बना? स जमा अ स। न जमा द न न आधा है तो हम आधा ही लिखेंगे। द जमा ई दी। क जमा आ का तो शब्द बना आसंधिका। घ घ जमा अ घ। न आधा है तो न को हम ऐसे ही आधा न लिखेंगे। और ट जमा ठा घंटा। इस तरीके से हमने ये वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन किया। प्रश्न 3-1 आपको दिया था, इसमें हमने दिया था कि सूचिका इसमें कुछ जो नहीं है वो आपको जोड़ने। जैसे पहला था स जमा ऊ जमा च। ची में कौन सी मात्रा आ रही है? ई की। तो ई आपने केवल लिखना है और कुछ नहीं करना, केवल ई लिखना है। और क जमा आ लिखना है। आ लिखा है तो आपने केवल इसमें क्या लिखना है? ई और क। हस्त हस्त में ह लिखा हुआ है। स नहीं है तो स लिखेंगे। अत जमा अह लिखेंगे तो केवल एक ही आएगा, ह के बाद अ और स। तो इसमें एक पहले वाले में आएगा अ, दूसरे वाले में आएगा स। इस तरीके से करना। अब इसमें आपने वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग करना है। तो इसमें आपने करा गर्धर्भ ग जमा र ग जमा अ जमा र जमा द जमा अ जमा भ जमा अ गर्धर्भ। री री का री जमा च जमा ऋचा। चरणों का च जमा अ जमा र जमा अ जमा ण जमा औ चरणों। बच्चों मुझे आशा है कि आपके सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। आपको वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। धन्यवाद।